नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 19 नवंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि व नाम राशि पर आधारित होगी और जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नाम राशि से देखकर लाभ उठाएं। और शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। और पांचांग को मैं आपको बताऊं उससे पहले, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है तो शुभकामनाएं। सूर्योदय होगा 6:50 पर, सूर्यास्त होगा 5:21 पर। शाम को तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी और नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। वार है गुरुवार। चंद्र राशि धनु 3:40 PM तक। फिर मकर। अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:26 PM तक। राहु काल है 1:23 PM से लेकर 2:42 PM तक। ये था आज सुबह का लघु यानी संक्षिप्त पांचांग। शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी, ये एक सिंपल सा नियम है, इसको जान लीजिए। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार ये वक्त जो पांचांग का है कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से एक बात मैं आपको बता दूं, आज जब भी आपको वीडियो मिलेगी 7 बजे मिले, 8 बजे मिले, जब आप उसको देख रहे हो, तो रात्रि के 12 बजे तक ही जो फ्री वाली लाजवर्त के साथ स्कीम है वो रहेगी। सातमुखी रुद्राक्ष, लाजवर्त रत्न और चांदी का सिक्का, उसके बाद ये खत्म है। कल से आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो रात्रि 12 बजे तक का टाइम है, आप पेमेंट करा सकते हैं और अपनी चीज़ें आप तक हम पहुँचा देंगे कोरियर के द्वारा। क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या जरूरत है, ये सब आपको पता है, बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि वालों के लिए आवश्यक है। मिथुन और कुंभ के लिए अति आवश्यक है क्योंकि अभी गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है 2 दिन बाद 20 तारीख से, तो आपके लिए ये परिवर्तन कष्टकारी हो सकता है। एक तरफ शनि की ढैया मिथुन पर और एक तरफ ये परिवर्तन, तो आप पर भारी पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको बचाव की आवश्यकता है, इसलिए सातमुखी रुद्राक्ष और लाजवर्त रत्न धारण करना जरूरी है उपाय के तौर पे, और ये एक लंबे समय तक रहेगा इसका प्रभाव। कुंभ पर तो 7:30 ही है, उनके लिए तो अति आवश्यक है, नहीं तो जो कमाया है वो चला जाएगा। मकर के लिए अच्छे परिणाम है, तुला के लिए अच्छे परिणाम है गुरु के परिवर्तन से, लेकिन अच्छा तभी होगा जब दोष हटेंगे। तो अच्छा पाने के लिए भी हमें उपाय करने पड़ते हैं और बुरा को खत्म करने के लिए भी हमें उपाय करने पड़ते हैं। तो आज जब भी आप जैसे भी वीडियो देखें, आपको रिक्वायरमेंट है तो L36 लिख कर भेज दें, तो आज आपको ये चीज़ मिल जाएगी, कल मिलेगी लेकिन विदाउट स्कीम मिलेगी। शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। मिथुन राशि, आज वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। धन का निवेश सही तरीके से करें, नहीं तो परेशानियां हो सकती हैं। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कुछ व्यापारी डील भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत तनावपूर्ण माहौल में बहुत किचकिच करके डील पूरी होंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से हैं या किसी भी प्रकार से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। कोशिश करें कि घर हो या कार्य क्षेत्र हो, कोई भी काम अधूरा ना छोड़ें, काम किसी के भरोसे ना छोड़ें, जितना खुद से हो सकता है उतना करके ही आगे बढ़ें, नहीं तो मामला गड़बड़ा सकता है। किसी के भरोसे काम छोड़ेंगे हो सकता है आपको निराशा मिले। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को संभाल कर सही जगह पर रखें। आज अपने काम जो है बहुत सही तरीके से करें, आज आपके काम बहुत होंगे, शायद आपको समझ ना आए कि पहले ये वाला काम करूं कि ये वाला करूं, कुछ पुराने काम खुले होंगे, कुछ नए काम खुल जाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके मनोबल में कोई कमी ना हो, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, हिम्मत बढ़ा के रखनी चाहिए अपनी। अनावश्यक वाद विवाद से बचने का पूरा प्रयास करें। जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखें। घर में सुख का माहौल होगा तो बाहर अच्छा काम हो जाएगा। अपने जो विरोधी हैं, आप उनको आज हराने की भी ना सोचें, उनके पीछे पड़ने की भी ना सोचें। आज आप बस ये सोचें कि ठीक है, ये मेरा विरोधी है, मुझे इससे बचना है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मुझे आज उसको पूरी करनी है। विरोधियों से लड़ने के चक्कर में कहीं आप
अपने ऊपर और ज्यादा टेंशन ना ले बैठें। जब वक्त सही आएगा तो विरोधियों से लड़कर उनसे भी आप अपना हिसाब किताब कर लीजिएगा, लेकिन आज का दिन है अपना काम निकालने का। कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, कुछ लोग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं, कुछ लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आज यही कहूंगा, किसी से लड़ने झगड़ने या जवाब देने की बजाय चुप रहकर हाथ जोड़कर अपना काम निकाल लें। कहावत है ना, मौका पड़ने पर किसी भी इंसान को आपको बाप बनाना पड़ता है। तो आज वही समझ लीजिए कि आज चुप्पी साधिए, मौन साधिए और अपना काम निकल जाए, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाहर हो, चाहे पास पड़ोस का मामला हो, चुप रहकर जो काम बनता है उसको बना लीजिए। जब वक्त आएगा तो जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आज का दिन जवाब देने का नहीं है, क्योंकि आज आपके सितारे उतने मजबूत नहीं हैं। आज डर के मारे आप किसी छोटी समस्या को बहुत बड़ा समझ सकते हैं। बात छोटी सी हो लेकिन आप उसको बहुत बड़ा समझ कर डर के बैठ जाएंगे, नहीं होगा, ऐसा होगा, तो इसमें भी आप घबरा सकते हैं। तो इसके लिए किसी की सलाह ले लें, कोई आपको सही मार्गदर्शन कर दे, इस पर भी विचार करिएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें समस्या बहुत छोटी सी होती है लेकिन हम इतने घबराए होते हैं, हमारा मनोबल इतना ऊपर नहीं होता है, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, और कुछ हमें वक्त की मार पड़ी होती है, कुछ ग्रह सितारों की मार पड़ी होती है, तो हम छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा समझकर घबरा जाते हैं और हिम्मत नहीं करते हैं। तो आज थोड़ा इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। आपके मित्र आपकी सहायता कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। और अगर आप में से जिन जिन लोगों ने लाजवत रत्न पहना हुआ है, सात मुखी उदास पहले से लिया हुआ है और पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, मनोबल जो है वो ऊपर रहेगा, आपकी याददाश्त तेज होगी, सब कुछ तो आपको सहूलियत मिलेगी। जिन लोगों ने पहना है वो लोग भी हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें, जिन्होंने नहीं पहना है वो लोग भी करें, और जिन्होंने लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही कि मौका आज ही आज का है, उसके बाद स्कीम से आप वंचित हो जाएंगे, डबल पैसे आपको देने पड़ेंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और मुस्कुराते रहें। हरिओम, नमस्कार।